सो लास्ट ईयर दे वॉज अ स्टूडेंट इन टच विद मी वो पटना से थे और प्रक्षित उनका नाम था तो बेसिकली uh, वो मेरे साथ काफ़ी रेगुलर बेसिस पे टच में थे एंड काफ़ी लंबे टाइम से टच में थे एंड ही वॉन्ट टू टू गेट एडमिशन इन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बट uh, किसी ना किसी रीज़न की वजह से कभी uh, कुछ कभी कुछ एंड ही कीप ऑन लेंग हिज एडमिशन प्रोसेस उसको वो स्टार्ट ही नहीं करवा पाए अल्टीमेटली ही थॉट कि अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ प्रोसेस तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स क्लोज हो गए थे सीट्स फिल हो चुकी थी एक्चुअली तो दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हर साल इस तरह की सिचुएशन आती है तो इनिशियली जो आप यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हो जिसमें एडमिशन लेने के लिए सोचते हो अगर आप अब्रॉड में एडमिशन के बारे में सोच रहे हो तो देन वॉट हैपन्स इज़ किसी न किसी रीजन की वजह से सम पीपल डिले इट एंड अल्टीमेटली आपको जो आप जो यूनिवर्सिटी आपकी इनिशियल फर्स्ट चॉइस थी उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता है क्योंकि सीट्स फिल हो जाती हैं या डेडलाइंस ख़त्म हो जाती हैं देर में भी मल्टीपल रीजन तो इस वीडियो में आई विल भी टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस कि वो अगर आप अब्रोड में किसी भी कंट्री में आप एडमिशन लेना चाहते हो इन एम बी बी एस वट इज़ गोइंग टू द एडमिशन प्रोसेस एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू मेक मिस्टेक लाइक प्रेक्षित तो इफ़ यू आर समन हुआ स्कोड वन फिफ्टी मार्क्स एटलीस्ट वन फिफ्टी मार्क्स आपके आ रहे हैं आफ्टर मैचिंग योर आंसर की एंड इफ़ यू आर थिंकिंग के अब्रोड जाना है आपको Uh, या अब्रोड में एडमिशन लेना है एम बी बी एस यू कैन स्टार्ट योर एडमिशन प्रोसेस क्योंकि एडमिशंस आर ऑलरेडी ओपन इन अ लोड ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेकर डाउट है पता नहीं है कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेटर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं इन कजान फेडरल जैसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक एंट्रेंस एग्जाम की फेस भी हो चुकी है एनी वेज लेट्स गेट स्टार्टिंग टूडेज तो so, सबसे पहले व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि अगर आप एडमिशन लेने के बारे में सोच भी रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी फॉर योरसेल्फ कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो तो इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं तो आई एल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया तो बेसिकली अब्रोड में एडमिशन लेने के लिए यू नीड टू फुलफिल टू मेन क्राइटेरियाज़ फर्स्ट इज़ आपका नीट आप क्वालिफाई करके आना चाहिए आपको तो एटलीस्ट यू नो अबाव वन फोर्टी मार्क्स इस रेंज में रहेगा फिफ्टी परसेंट डायल होता है क्वालिफाइंग मार्क्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू नीड टू हैव एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन योर पी सी बी कम्बाइंड एग्रीगेट तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे है तो इट विल वेरी विद एवरी यूनिवर्सिटी लिटिल विट बट मोस्टली फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ही रहते हैं सभी कंट्रीज़ में सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नाउ जो एडमिशन प्रोसेस है वो सभी कंट्रीज का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है आई आल गिव यू स्टेप बाई स्टेप गाइड कि क्या एडमिशन प्रोसेस है एंड हाउ यू कैन डू इट बट बिफोर दैट आई हैव अन अनाउंसमेंट टू मेक तो बेसिकली इफ यू आर समन हु इज़ थिंकिंग अबाउट एम बी बी एस अब्रोड और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या यूनिवर्सिटी बेस्ट है या क्या कंट्री बेस्ट है एंड ऑल ऑफ दैट तो देर इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एस्पेशली इफ यू आर फ्राम दिल्ली एन सी आर तो देर इज़ गोइंग टू ब सेमिनार कंडक्टेड इन द सिटी ऑफ रोह तक जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ से रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली आएँगे

तो हम लोग आपको अच्छे से गाइड करके आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे नाउ वंस यू हैव सिलेक्टेड योर यूनिवर्सिटी देन द स्टेप टू और नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी बेसिकली रजिस्टरिंग फॉर दैट यूनिवर्सिटी और स्टार्टिंग योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो उसके लिए आपको जो मेन चीज़ चाहिए होती है जो रिक्वायर्ड है वो यू नीड टू सेंड स्कैन डॉक्यूमेंट्स तो कीप दिस इन माइंड स्कैन डॉक्यूमेंट्स ही भेजने होते हैं इनिशियली यू डोंट हैव टू प्रोवाइड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स टू एनी कंसल्टेंट काफी सारे लोग मांग लेते हैं Uh, so that you don't uh, go or change your mind uh, later on इस तरह की कोशिश करते हैं तो don't give your physical documents at least in the starting process जब तक आपके पास आगे के steps नहीं start हो जाते हैं। I'll tell you about them as well तो uh, you need to provide your scanned documents and that is your 12th mark sheet your uh, 11th mark sheet your 10th mark sheet uh, नीच स्कोर कार्ड अगर आ गया है पिछले साल का है आपके पास तो वो भी चलेगा एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू प्रोवाइड सम आईडीज एज वेल जैसे कि आपका आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट अगर रेडी है तो पासपोर्ट भी इनिशियली आपको पासपोर्ट और नीट स्कोर कार्ड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में बिना इनके भी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बट लेटर ऑन यू डू नीड टू सबमिट दैन टू दिस थिंग इन माइंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट थिंग इन योर एडमिशन प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिसीविंग योर एडमिशन लेटर तो आपने ये सारी चीजें कर दी है लेट्स से यू आर थ्रू थ्रूपेरिटिंग माई कंपनी तो आपको ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए रजिस्ट्रेशन करा लिया देन वी विल बी प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन जितने भी डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन uh, हो व नोटराइजेशन हो सारी चीज़ें बेसिकली हम सब करवा के यूनिवर्सिटी में आपकी एप्लीकेशन सेंड करेंगे एंड देन यूनिवर्सिटी विल सेंड एडमिशन लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी तो जैसे ही आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा Uh, उसके बाद मोस्ट ऑफ़ दीज यूनिवर्सिटीज़ दे विल हैव सम टाइम पीरियड एंड इन दैट टाइम पीरियड आपको बेसिकली नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑल दो उसके लिए यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम आप बेसिकली टू टू थ्री डेज़ के अंदर मैक्सिमम प्रिप्रेशन हो जाती है एग्ज़ाम के लिए बट मोस्ट ऑफ़ दीज यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती ही लेती हैं तो एंट्रेंस एग्जाम इज़ बेसिकली योर प्रॉपरली स्टेप थ्री इन द एडमिशन प्रोसेस एंड यस जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑनलाइन ही होता है कुछ एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के बट एवरी यूनिवर्सिटी इज़ टेकिंग दम ऑनलाइन यू हैव टू सिट एट योर होम ऑन योर होम कंप्यूटर लैपटॉप विद के मैन यू हैव टू डू इट एंड ऑफकोर्स एडिपेरिटी टीम इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन ऑल ऑफ़ दैट तो आपको सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा इसके बाद जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप इन द एडमिशन प्रोसेस इज गोइंग टू बी रिसीविंग योर वीज़ा इनविटेशन लेटर तो वीज़ा इनविटेशन लेटर रिसीव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव योर पासपोर्ट रेडी अगर पासपोर्ट रेडी नहीं था तो बाई दिस टाइम यू हैव टू कीप योर पासपोर्ट रेडी एंड आपको यू नीड टू सेंड योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल टू आर दिल्ली ऑफिस फॉर दैट ताकि आपका जितना भी आगे का प्रोसेस है आ, सच एज आपका वीज़ा स्टैंपिंग और आपका पोस्ट स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वो सब कंप्लीट हो सके सो वंस यू गेट योर वीज़ा इनविटेशन, तो आपका उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है वीज़ा स्टैंपिंग एंड कोर्स वीज़ा स्टैंपिंग इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाई अर कंपनी इट अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हो तो इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर आपको इवन इनफैक्ट दिल्ली आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यू विल गेट योर वीज़ा डन बाई सिटिंग एट योर होम इट सेल्फ तो uh, काफ़ी इजी प्रोसेस होता है नाउ वंस यू गेट योर वीज़ा द नेक्स्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप इज गोइंग टू बी फ्लाइंग टू योर यूनिवर्सिटी तो उसके लिए वट वी इज़ वी मेक बैच ऑफ स्टूडेंट्स टूगेदर्स सभी बच्चों का एक बैच बना दे टेन टू फिफ्टीन स्टूडेंट्स ट्वेंटी स्टूडेंट्स जितने भी एक पर्टिकुलर डेट में पॉसिबल हो पाता है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए वट वी डू इज वी मेक बैच टुगेदर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वी फ्लाई एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इधर आई माई सेल्फ विल बी फ्लाइंग विद स्टूडेंट्स और मे बी फ्रॉम द टीम विल भी फ्लाइंग तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो देर विल बी सम टू टेक केयर ऑफ़ यू फ्रॉम द दिल्ली एयरपोर्ट टिल आपको वहाँ जाने तक भी आफ्टर रीचिंग देर आपको कुछ और फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होती है बचती है जैसे आपका मेडिकल इंश्योरेंस वीजा एक्सटेंशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना एंड ऑल ऑफ दैट तो वो सब सारी चीज़ों के लिए भी आपके पास वहाँ पे ऑन ग्राउंड टीम होगी इफ़ यू विल गो थ्रू एस एंड विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी थिंग तो दिस वॉज द एंटायर एडमिशन प्रोसेस इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग एम बी फ्रॉम अब्रोड if you want to know kikya cost hogi for studying mbbs abroad or how you can calculate it basically for any particular university so you can watch my this video that i made earlier or you can watch my other video as well and thank you for watching and if you are still watching please subscribe to the channel it's totally free ke and it will help us grow and also uh, please share this video with your friends and uh, you know other fellow students see you guys in the next one